मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जापानीज टैन सेड स्किन वाइटनिंग पैक। इस पैक को लगा के आप अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन को निखार सकते हैं। कोने लड़कियों की स्किन देखिए ना, बहुत बार मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, आप लोग पिक भेजते हैं कि मुझे ऐसी स्किन चाहिए, मुझे तो बस ऐसी ही स्किन चाहिए। तो वो वैसी ही स्किन आपको मिल जाएगी अगर आप आज का DIY लगाएंगे तो। बहुत ही आसान है बनाना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस 2022 के दौरान प्लीज़ यार हमारी फैमिली 1 मिलियन क्रॉस कर जाए। और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वीडियो को आप जितना उसके शेयर करना है, लाइक करना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए फिर सबसे पहले आज का हम DIY पैक बना लेते हैं। तो गाइस ये है आज की आपकी रेमेडी जो लगभग 5 मिनट में और बन के तैयार हो जाएगी। अब बाबा बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं इसके अंदर क्या डाला है आपने। मैं आजकल है ना लगभग पहले ही रेमेडी बना के रखने लग गई ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को देखने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दूध है, 1 कप जो ये चाय वाला कप होता है ना, ये मैंने दूध का लिया है। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 मुट्ठी के करीब चावल, क्योंकि चाइनीज स्किन केयर में, जापानीज स्किन केयर में चावल का यूज किया जाता है, बालों के लिए चावल का यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं जो आपकी स्किन को ग्लासी लुक देने में आपकी मदद करते हैं। किसी भी ब्रांड का चावल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप बासमती चावल यूज कर सकते हैं, मैंने पतंजलि का यूज किया है। तो बार बार आपको इसे क्या करना है, इस तरीके से हिलाते जाना है। ओके, जब भी आप चावल यूज करेंगे ना, आप कोशिश करें कि उनको अच्छे से वॉश कर लें। ये देखिए चावल बिल्कुल पकने वाला है, दूध की जो क्वांटिटी है वो भी कम हो गई, लो फ्लेम के ऊपर आपको पकाना है। ये जो DIY है 10 शेड तक आपकी स्किन को गोरा बनाने में आपकी मदद करेगा, आपकी स्किन को ग्लासी लुक देगा, फाइन लाइन रिंकल्स को हटाएगा, पिंपल को हटाएगा, डल स्किन को हटाएगा, आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को निखारने में आपकी मदद करेगा। तो लगभग आपको 5 से 10 मिनट कुछ इस तरीके से पकाना है दूध के अंदर चावल। ओके, बस ये पकने ही वाला है। ये देखिए जो दूध है वो थोड़ा सा ज़्यादा बचा हुआ है, हम थोड़ा सा और इसको पका लेंगे ताकि हमारा एक अच्छा सा पैक बन के तैयार हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स वो लोग डालते हैं उतने ही इंग्रेडिएंट्स मैं इसके अंदर डालूँ ताकि ये अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप लोगों को दे पाए। तो इसे चम्मच के साथ घुमाते जाना है और पकाते जाना है, लो फ्लेम के ऊपर ही पकाएंगे। अगर आप हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ना तो जल्दी से आपका जो दूध है वो उड़ जाएगा, वो जल जाएगा। जो 1 कप डाला है उसकी बजाय आपको इसमें 2 कप डालने पड़ेंगे अगर आप इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे तो। तो 1 कप दूध के साथ लो फ्लेम और 10 मिनट के लिए आप इसको पकाएंगे बिल्कुल अच्छे से। ओके, तो इसे हम पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। और तो गाइस हमारे चावल पक चुके हैं, अब आपको लेना है, और ये ठंडा भी हो चुका है मिक्सर जार। और जो ये हमारा पका हुआ चावल है ये हम दूध के साथ ही इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। ओके, और अब हम इसको हल्का सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, आप चाहें तो इसको प्रॉपरली तरीके से ठंडा होकर फिर इसको अच्छे से घुमा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी है, कहीं जाना है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जाने से पहले मैं वीडियो शूट करके जाऊँ। अच्छा, अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो गाइस इस तरीके का पैक आपका तैयार हो जाएगा बनके। अब आप इसको एक कंटेनर के अंदर निकाल लेंगे, टोटली आपकी चॉइस है कि आप इसको थिक बनाएंगे या हल्का सा लिक्विड ही बनाएंगे। ओके, तो हमारा पैक बन के तैयार है, मैं इसको बिल्कुल अच्छे से निकाल दे रही हूँ। तो ये देखिएगा, अब आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 2 एवियन कैप्सूल और हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। अच्छे से कटा नहीं है क्या, मैं इसको काट देती हूँ अच्छे से एक बार। तो ये देखिए 1 और 2 विटामिन ई के कैप्सूल नहीं है तो आप यहाँ पे बादाम तेल का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप ओलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब आपको इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो पैक हमारा रेडी है, पहले हम लगाएंगे इसको हाथ पे, बिल्कुल अच्छे से आपको लगाना है और उसके बाद हम लगाएंगे फेस पे। हाथ पे भी देखेंगे कि कैसा रिजल्ट है और फिर फेस पे भी। तो बिल्कुल मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे हाथ पे लगा लूँगी। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। ओके, तो ये हमारा जो पैक है बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। तो
तो चलिए फिर फेस पे और देखते हैं किसका रिजल्ट कैसा आएगा और कैसे आपको लगाना है। ओके देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना, और ये मत सोचिएगा कि ये आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये रिजल्ट देगा आपको। हाथ पे लगा चुकी हूँ पहले ही, अब आपको इसे अपने फेस पे लगाना है। इस पैक की खासियत ये है कि जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि डिस्कलरेशन है, आप उसको निखारना चाहते हैं, आप अपने प्राइवेट पार्ट्स पे भी इस पैक को लगा सकते हैं, नेक पे, हाथों पे, अंडरआर्म्स पे, पैरों पे, हर जगह आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छे से मलते हुए अपने फेस पे लगाना है, बिल्कुल मलते हुए, मसाज करते हुए, हल्का सा थिक है लेकिन लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आँखों के आसपास ज़्यादा नहीं लगाना है, इसकी एक थिक सी लेयर आपको अपने पूरे फेस पे लगा लेनी है, ठीक है ना। जैसे आप फेस पे लगा लेते हैं इसे आप छोड़ देंगे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के लिए। जैसे ही आपको 15 से 20 मिनट हो जाएंगी आपका जो पैक है कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हाथ वाला जो पैक है ना वो बिल्कुल पील ऑफ बन चुका है, वो तो बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, और जो फेस वाला पैक है वो भी बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। आप देख सकते हैं अगर मैं टच कर रही हूँ फेस को तो हाथ पे नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये सूख चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपल पानी के साथ अपना फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने में हल्की सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि जो चावल है ना वो थोड़ा स्टिकी है और उसको निकालने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन ईजीली निकल जाएगा। 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, हल्के से पहले गीला कर लेना है और फिर मलते हुए आपको इसे निकाल देना है। और जैसे ही आप फेस वॉश करेंगे, यार मैं मिरर में भी देख के आई हूँ, मेरा जो स्किन कलर है, मुझे आपको शायद पता चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी जो स्किन है वो हल्की सी वाइट हो गई है। आप हाथ में देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक शेड दोनों हाथों में आपको डिफरेंस जरूर नजर आ रहा होगा, जरूर से भी जरूर। कॉम्प्लेक्शन में आपको निखार, मुझे तो फर्क लग रहा है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको रिजल्ट्स दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा है ना तो एक बार इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 10 शेड रंग बिल्कुल काले से और वाइट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको लगातार यूज करेंगे ना तो आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन सच में गोरा हो जाएगा, सच में हेल्दी हो जाएगा। व्हाइट कलर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी लड़कियों की दिल से इच्छा होती है कि उनका स्किन कलर थोड़ा सा इनहेंस हो, थोड़ा सा ब्राइट हो, तो वो ब्राइटनेस दिखेगी अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे से लगाएंगे। विटामिन ई का यूज करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इसे आपको जरूर ट्राई करना है, बहुत ही बेहतरीन पैक है, डेफिनेटली आप इसको ट्राई करके एक बार देखिएगा, निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आशा करूंगी कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।